बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन याया सिनवार एक बंकर में घेर लिया गया। इशारों इशारों में नेतन्याहू ने सिनवार की तुलना हिटलर से कर दी थी और कहा था कि सिनवार हिटलर की तरह बंकर में ही मारा जाएगा। लेकिन अब ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर सिनवार अचानक कहां गायब हो गया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा एक्शन ले लिया जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हमास के समर्थकों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया जा रहा है। यहां तक कि सऊदी अरब में फिलिस्तीन का नाम लेने से भी अब लोग कतरा रहे। गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,000 लोग मलबों में दफन हैं। इसराइल किस तरह और कितनी तरफ से हमास पर टूट पड़ा है, इसकी रिपोर्ट करने की ताकत भी अब फिलिस्तीन के अखबारों के पास नहीं बची है। गाजा पट्टी के अंदर 40 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं और इसराइल फिलिस्तीन के अखबारों के पूरे नेटवर्क को ही तोड़ दे रहा है। इसीलिए अब गाजा पट्टी से वही खबरें सामने आ रही हैं जो इसराइल चाहता है। इतने बुरी हालातों के बावजूद भी 57 इस्लामी मुल्क गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि उत्तर गाजा में भारी कोहराम मचाने के बाद अब इसराइल अपना पूरा फोकस दक्षिणी गाजा पर कर रहा है। सवाल ये है, अगर उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा दोनों में ही इंसानों के रहने लायक स्थितियां नहीं रहेंगी तो आखिर गाजा के लाखों लोग कहां जाएंगे। ऐसे खतरनाक हालातों में अगर 57 इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर इसराइल पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ सऊदी अरब है जो हमास का समर्थन करने वाले लोगों पर हंटर चला रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान है जो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं गाजा पट्टी के लोगों की बात करके भावुक हो जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का दौरा किया है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन इस पूरी वार्ता के दौरान आर्थिक मुद्दे पूरी तरह से किनारे नजर आए और दूसरे सभी मुद्दे गाजा पट्टी के तनाव के सामने छोटे पड़ गए। आखिर कैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास के पक्ष में पूरी इस्लामी दुनिया को एक करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं, ये पूरी हकीकत आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिस पर यकीन करना नामुमकिन नजर आता है। एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें सहानुभूति व्यक्त करने से भी रोका गया और सऊदी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। सऊदी अरब के अंदर ऐसी एक नहीं और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हमास के समर्थकों पर सऊदी अरब की सरकार कड़कती बिजली की तरह टूट रही है। इस घटना ने पूरी इस्लामी दुनिया में एक हड़कंप सा मचा दिया है।
दरअसल ब्रिटिश एक्टर इस्लाह अब्दुल रहमान उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के अंदर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति जताने के लिए एक फिलिस्तीन काफिया पहने हुए थे। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा कपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चेक होते हैं। फिलिस्तीन का आंदोलन करने वाले बड़े नेता यासिर अराफात अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे और ये फिलिस्तीनी काफिया एक तरह से यासिर अराफात की पहचान बन गया था। अब्दुल रहमान ने एक ऐसा ही फिलिस्तीनी काफिया सऊदी अरब के अंदर भी पहना हुआ था और इसीलिए सऊदी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और घंटों तक पूछताछ। सऊदी अरब की पुलिस ने ब्रिटिश एक्टर अब्दुल रहमान से यह पूछा कि वो कब से सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में वो कहां कहां गए हैं। अब्दुल रहमान को एक संदिग्ध की नजर से देखा गया। अब्दुल रहमान की उंगलियों के निशान देने के बाद उनको रिहा तो कर दिया गया। लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उन्होंने मिडिल ईस्ट के एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा कि वो फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें ये करने नहीं दिया गया। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर गाजा के लिए प्रार्थना करने वाले एक अल्जीरियाई मूल के शख्स और बांग्लादेशी मूल के एक ब्रिटिश नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। बात एकदम साफ है कि सऊदी अरब का सऊदी राजवंश ये नहीं चाहता कि उसकी धरती पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन की संस्कृति का जन्म हो। सऊदी राजवंश को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो लोग आज फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे कल उसकी ही सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए सऊदी राजवंश प्रोटेस्ट के कल्चर को ही पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, यही उसका एक टारगेट है। आमतौर पर ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका पुराना नाम स्टेट ऑफ हिजाज था। लेकिन 23 सितंबर 1932 में जब सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सऊद ने इस स्टेट ऑफ हिजाज पर कब्जा किया तो उन्होंने इस इलाके का नाम बदलकर सऊदी अरब रख दिया। इसमें सऊदी शब्द सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सऊद का सरनेम है। शायद दुनिया की ऐसी पहली घटना होगी जब किसी राजवंश ने किसी देश पर अधिकार करने के लिए उस देश का नाम भी अपने राजवंश के नाम पर कर दिया हो। एक तरफ सऊदी अरब हमास के समर्थकों पर हंटर चला रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर रहा है और उनको ये नसीहत दे रहा है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले एक महीने से लगातार आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि इंसाना साइगमुज बिजिम। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बर्लिन का दौरा किया और इस दौरान उनकी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कूल्स के साथ हुई है। एर्दोगान आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बर्लिन आए थे लेकिन सारा मामला खटाई में पड़ गया और सबसे ज्यादा मतभेद गाजा के मसले पर हो गए। जर्मनी को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की वो बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरी जिसमें एर्दोगान ने जर्मनी के इसराइल को किए जा रहे समर्थन को लेकर एक ऐतिहासिक तंज कसा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि जर्मनी इस अपराध बोध से ग्रस्त होकर के इसराइल का समर्थन करने के लिए मजबूर है कि दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ उसमें जर्मनी के तानाशाह हिटलर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। यही बात किस तरह तुर्की के राष्ट्रपति ने संकेत में कही, जरा सुनिए। Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihi hesabını veremeyiz. Onun için bir boşluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. बयान से बिल्कुल साफ है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है कि वो इसराइल का समर्थन करने को मजबूर हैं, जबकि इसराइल के तानाशाह ने यहूदियों का नरसंहार। नोट करने वाली बात यह है कि जर्मनी ने अब तक इसराइल को काफी ज्यादा सपोर्ट दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के खिलाफ हमला शुरू किया, उसके बाद ही जर्मनी के चांसलर ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव का दौरा किया और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात करके इसराइल को हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, जर्मनी हथियारों के तौर पर भी इसराइल की मदद करता रहा है और यही बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और यही वजह है कि उन्होंने जर्मनी के चांसलर के सामने उनकी मौजूदगी में गाजा के मुद्दे को बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। Fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के दानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करने के लिए बाकायदा संस्थाएं बनाई थी और इन संस्थानों में पूरे यूरोप के अंदर करीब करीब 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। एडोल्फ हिटलर एक समाजवादी राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा के अनुयायी थे और हिटलर ने जो कुछ भी किया उसके बाद जर्मनी के अंदर कभी भी कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी उभर ही नहीं सकी। लेकिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि अगर हमास ने जो किया वो गलत है तो अब गाजा के अंदर जो इसराइल कर रहा है उसकी भी निंदा होनी चाहिए। दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी एर्दोगान के सामने ही हमास की निंदा की, 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया और हमास के पूरे खात्मे के इजरायली संकल्प को सही ठहराया। यानी अगर देखा जाए तो जर्मनी और तुर्की एक बातचीत की मेज पर जरूर थे लेकिन उनके बीच बहुत भारी मतभेद है। Ich will das noch einmal unterstreichen. Für uns jedenfalls bleibt es dabei, dass es jetzt notwendig ist, auch für eine langfristige friedvolle Perspektive, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sein kann, diese Aggressionshandlung vorzunehmen, wie wir sie am 7. Oktober gesehen haben. Wir sind, wie Sie merken, in guten Gesprächen miteinander, trotz unterschiedlicher Meinung. एक बात तो साफ है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक समेत पूरा फिलिस्तीन अकेले पड़ गया है और उनकी सुनने वाला या उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। तुर्की हो, मिस्र हो, ईरान हो या जॉर्डन हो, वो जुबानी खर्च तो कर सकते हैं लेकिन इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं जुटाई है। रियाद के अंदर सऊदी अरब की अगुवाई में इस्लामिक देश का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें गाजा पट्टी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया लेकिन इस पूरी बैठक के बाद भी घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। यानी ये साबित हो गया कि इस्लामी देशों में गाजा पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब ऐसे में इसराइल के पास पूरी ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों पर क्रूरतापूर्वक किया जा रहा है।